ये पत्र आप कृष्ण को दे देना और उससे कहिएगा कि इसमें जो भी लिखा है वो सब पढ़े और जो रुक्मिणी चाहती है उसे तुरंत पढ़े। यदि राधा के अश्रुओं का कोई मोल है उसके मन में तो तुरंत जाकर रुक्मिणी को उसके दुख से मुक्त कर दे। मनुष्य अपने माता पिता का ऋण उनकी सेवा करके चुकाता है, गुरु के ज्ञान का ऋण गुरु दक्षिणा देकर चुकाता है, तो कृष्ण को प्रेम का ऋण चुकाना होगा। कहना राधा ने उससे उसके प्रेम की प्रेम दक्षिणा मांगी है। और यदि कृष्ण ऐसा नहीं करेगा तो मैं समझूंगी कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करता। को मेरे लिए करना ही होगा, यही उसकी सखी की इच्छा है। कृष्ण से कहना कि उसे मेरी, मेरे प्रेम की, मेरे अस्तित्व की सौगंध है। ये तुम्हारा निरंतर अखंड विश्वास ही है हमारे प्रेम का, जो जरासंध और शिशुपाल जैसे क्रूर व्यक्तियों के होने के पश्चात भी अब तक रुक्मिणी और उसके पिता को कुछ भी नहीं हुआ। ये तुम्हारा प्रेम ही है जो तुमने किसी अन्य स्त्री का दुख देखकर बिना किसी परिणाम का सोचे मुझे हमारे प्रेम की सौगंध दे। तुम्हारा स्तर मेरे जीवन में और भी ऊंचा हो गया है राधा। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, क्योंकि सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। मैं जानती हूँ कि आप अपने विवाह के लिए कितने उत्सुक होकर मेरे पास निमंत्रण लेके आए थे, तो मुझे क्षमा कर दीजिए दाओ। अब तक कृष्ण मेरी सौगंध पूर्ण नहीं करता, मैं आपके विवाह में नहीं आ पाऊंगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं राधा, कृष्ण वो सब करेगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारी प्रत्येक सौगंध को पूर्ण करेगा कृष्ण, किंतु उसके पश्चात मैं मेरे विवाह में आना होगा राधा। आओगी ना? क्या भी है वहां? कृष्ण बलराम, आप दोनों यहाँ हैं? अरे साक्षात अखरू जी, आप आए हमें बुलाने, क्या बात है जी? आप दोनों शीघ्र चलिए, वहाँ आपके माता पिता और महाराज अगुरसेन आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और शीघ्र ही महाराज कुकुद में भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। तिलक के लिए वर की प्रतीक्षा हो रही है। हाँ हाँ अवश्य चलिए दो, ऐसे होने वाली पत्नी को ऐसे प्रतीक्षा करवाना तो अच्छी बात नहीं है।
नहीं एक क्षण, अरे आप यशोदा मैया को साथ लेके आने वाले थे ना, नहीं लेके आए? उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए प्रस्थान करते हैं, आपका तिलक है। कान्हा तुम भली भांति जानते हो मैं यहाँ तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। तुम्हें क्या भली भांति जानता हूँ, हम बात भी करेंगे आपके तिलक के पश्चात। समझने का प्रयास कीजिए, मैं भी एक देवर हूँ, तो मेरी प्यारी भाभी रेवती, उनकी भावनाएं भी मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उचित समय नहीं है। राजकुमारी रुक्मणी की जय। राजकुमारी रुक्मणी की जय। शिशुपाल, मैं मर जाऊंगा किंतु अपनी पुत्री के साथ अन्याय नहीं करूंगा। जिस काम के लिए तुझे जीवित रखा था वो तो तू कर नहीं रहा। नहीं नहीं, रुक्मिणी, अभी इसी क्षण इसी स्थान पे हमारा विवाह होगा और तू मौन रहकर मुझसे विवाह करोगी, अन्यथा तेरी मांग तेरे पिता के रक्त से ही भर दूंगा। अब कोई मार्ग नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार शीघ्र अति शीघ्र मंदिर तक पहुंचना होगा, कृष्ण वहां आता ही होगा। अपने पिता के प्राण बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। किंतु छेदी नरेश, आपकी इतनी इच्छा के बाद भी कि विवाह संपन्न होना असंभव है। कैसे, कौन बनाएगा इसे असंभव? हमारी कुलदेवी गिरजा माँ, हमारे कुल की रीत है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी विवाह संपन्न नहीं होता। कोई भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब तू मंदिर केवल मेरे रानी वास में ही जाएगी। चल तिलक कर बुड्ढे। ये तो मुझे गिरजा मंदिर तक जाने ही नहीं दे रहा, कृष्ण मुझे कैसे बचाएगा? महाराज कुकुदमी और राजकुमारी रेवती पधार रहे हैं। अंततः इतने वर्षों के पश्चात रेवती के विवाह की विधि आरंभ होने जा रही है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु सबसे अधिक प्रसन्न हमारे बलराम हैं। सबसे अधिक प्रसन्न तो हमारी भाभी जी हैं, आपने देखा ही नहीं? निर्लज, भाभी को सताओ मत। अरे मैं क्यों ना सताऊं, ये तो मेरा अधिकार है। क्यों भाभी जी, देखिए। आइए कुकुदमी जी, तिलक की विधि आरंभ करते हैं। जी। कैसा अनर्थ हो रहा है भगवान,
मेरा तिलक केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं। राधा की इच्छा को साकार करना है रुक्मिणी, अब ऐसा ही होगा। कैसा शुभ संकेत है, क्यों आभास हो रहा है कि ये चमत्कार मेरे कृष्ण का ही है। ओए! मैं तुझे मार डालूंगा। रुक जाइए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आपने हमारी कुलदेवी का अपमान किया है। मैंने कहा था ना, उनकी पूजा के बिना ये विवाह असंभव है। राधा रुक्मी, क्या आप अब भी भयभीत होकर ऐसे ही खड़े रहेंगे? आप तो माँ गिरजा देवी की अनंत शक्ति से परिचित हैं ना। बताइए छेरी नरेश को, यदि ये विवाह उनके आशीर्वाद के बिना हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। कदाचित कुलदेवी हमारे परिवार से रुष्ट हो जाएं। सम्राट, आप इस रुक्मणी को कुलदेवी की पूजा में जाने दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सम्राट, कैसा अनर्थ हो जाएगा? ये मूर्ख मनमुद्दी शिशुपाल, हमारे युद्ध में कोई भी विपत्ति नहीं आने चाहिए। एक पूजा ही तो है, कर लेने दो। नहीं, ऐसे नहीं, मैं स्वयं इसके साथ कुलदेवी के मंदिर में जाऊंगा और वो भी अपनी सेना के साथ। किंतु इसकी क्या आवश्यकता है, सैनिक ले आएंगे मुझे। ना, मुझे अपने सदी किसी पर विश्वास नहीं। यदि कृष्ण वहां आया तो इसके और इसके सैनिकों की उपस्थिति में मुझे कैसे ले जाएगा? ये कान्हा कहां चला गया? थोड़ी देर पश्चात राजवन में मिलना। तो तुम यहां होकर तुम वहां तिलक से चले क्यों आए? तुम्हें कितना ढूंढना पड़ा है मुझे। राधा का दिया हुआ पत्र ही है कान्हा, और इसमें जो लिखा है वो तुम्हें करना ही है। ये पत्र आप कृष्ण को दे देना और उससे कहिएगा कि इसमें जो भी लिखा है वो सब पढ़े और जो रुक्मिणी चाहती है उसे तुरंत पढ़े। और यदि कृष्ण ऐसा नहीं करेगा तो मैं समझूंगी कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करता।